नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। ऐसा क्यों कहा जाता है कि पीरियड के दूसरे दिन या तीसरे दिन ही अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए आइए फर्टिलिटी ट्रीटमेंट प्लान कर रहे हो तो? अक्सर देखा गया है कि ओवुलेशन इंडक्शन या IUI या IVF के लिए दूसरे दिन या तीसरे दिन बुलाया जाता है। बीच में भी आप स्कैन के लिए जा सकते हैं, कैसे ग्रो हो रहा है देख सकते हैं, बट Day 2 या Day 3 पे अगर पहुंचेंगे अगर आप, तो आपके ट्रीटमेंट में बहुत आसानी होगी, टाइम भी सेव होगा आपको। आइए समझते हैं पीरियड जब आता है क्या होता है, देखने से हमें ये सब समझ में आ जाएगा। जब पीरियड होता है इसका मतलब ये होता है कि जो अंडा रिलीज हुआ था 15 दिन पहले वो ट्यूब में वेट किया स्पर्म्स के लिए, प्रेगनेंसी के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। जब प्रेगनेंसी नहीं हुआ तो वो अंडा डिजेनरेट हो गया। जिस जगह से अंडा रिलीज होता है ओवरी में, वहां से प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन भी रिलीज होता है। ये प्रोजेस्टेरोन गर्भ के अंदर के लाइनिंग जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं उसमें ब्लड सप्लाई देके उसे ग्रो करने में बहुत सहायक होता है। इसका बहुत महत्व है क्योंकि जब एम्ब्रियो तैयार होता है तो आके एंडोमेट्रियम पे चिपकता है। जब ये नहीं होता है, जब ये अंडा फर्टिलाइज नहीं होता है, प्रोजेस्टेरोन लेवल कम होते रहता है, और जब वो बहुत कम हो जाता है तब ये गर्भ का जो लाइनिंग है पीरियड की तरह बाहर आ जाता है। सो हम दूसरे दिन की जब बात करें, पहले या दूसरे दिन की जब बात करें, तब ये अनुमान लगाया जा सकता है कि अगला पीरियड कैसा रहेगा। तो ब्रेन जो है आपका, जो ओवरीज है एंडोमेट्रियम में, अगले प्रेगनेंसी की तैयारी करता है बॉडी। तो क्या हो रहा है, आपके ब्रेन से हार्मोन्स रिलीज होना शुरू होते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ईस्ट्रोजन ग्रोइंग एग से ईस्ट्रोजन रिलीज होना शुरू होता है, बढ़ना शुरू होता है। इसकी वजह से अगले ओव्यूलेशन, अगले प्रेगनेंसी की तैयारी में एग बढ़ना शुरू होता है। जब आप इस दौरान स्कैन कराते हैं तो ये अनुमान लगता है कि ओवरीज में कितने अंडे बड़े हो रहे हैं। कुछ एक ही रिलीज होता है, एग रिजर्व यानी कि बहुत ज्यादा अच्छे एग्स हैं, नंबर ऑफ एग्स ठीक है, प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि कितने एग्स बड़े हो रहे हैं। और इसी दौरान गर्भ में भी देखा जाता है कि पीरियड ठीक से हो रहा है क्या, कहीं कोई फाइब्रॉइड तो नहीं है, कहीं कोई एडिनोमायोसिस तो नहीं है। ये सब प्रॉब्लम्स अगर अंदर हो तो भी प्रेगनेंसी में बाधा हो सकती है। तो इन सब के इन्फॉर्मेशन हमें स्कैन द्वारा पता लगता है। इसीलिए कोई भी ट्रीटमेंट हो, अगर आप नेचुरली भी ट्राई कर रहे हो और नहीं हो रहा है और आप जांचना चाहते हैं कि अंदर क्या हो रहा है, अवश्य आप Day 2 या Day 3 स्कैन करा सकते हैं और इसके मुताबिक आप ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी समझ सकते हैं। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे फोन करके अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। अ लॉट ऑफ एफर्ट हैज गॉन इनटू मेकिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अस। थैंक यू।